गुड इवनिंग गाइस, गिल जमेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विद्वान बंधुओं, जैसा कि आप लोग पंजाब के पीएसपीसीएल के पेपर की ही चर्चा हो रही है और पेपर दे रहे हैं, 16 फेब 2018 सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस आ चुका है। गाइस, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, कोई भी यानी किसी भी पेपर के एंगल को आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैंने सबसे पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने उसके अंदर क्लियर किया था डाउट्स और वीडियोस के अंदर कि इस पेपर के अंदर दो तरीके के कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं। पहला तरीका वो कैंडिडेट जो जेई के फील्ड के नहीं हैं, दूसरे कैंडिडेट जो जेई में भी और एलडीसी में भी दोनों जगह पैर रख रहे हैं। एंड में रिजल्ट उनका बुरा होगा जो बच्चे दोनों जगह पैर रख के चलने की कोशिश करने की बात कर रहे थे। वाई ना तो वो अपने सब्जेक्ट का पूरा पढ़ पाए, ना वो ये पढ़ पाए, क्योंकि ये कंपटीशन जो है ये उस बच्चे के लिए इजी है जिस बच्चे ने स्टडी की है लास्ट 6 मंथ से। और जो बच्चा सिर्फ नोटिफिकेशन देखकर यानी 2nd या 3rd फरवरी से और पढ़ने के लिए हड़बड़ाहट की है जिसने, उस बच्चे के लिए ये कंपटीशन टफ है। बात क्लियर होती है यहाँ पर जाके। यानी कुल मिलाकर आज जो क्वेश्चन आए हैं वो कल के क्वेश्चन से कहीं मिलते जुलते नहीं हैं, आज जो क्वेश्चन आए हैं वो सुबह की शिफ्ट से कोई मिलते जुलते नहीं हैं। विद्वान बंधुओं, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऊपर वाला अंगूठा दबा दीजिए, नीचे वाला अंगूठा नहीं दबाएं, ऊपर वाला दबाएं तो आपका भला होगा और हमारा भी भला होगा, ताकि हम चाहते हैं कि ये जो एनालिसिस है कम से कम उन बच्चों तक पहुँच जाए। रियल में बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज आए हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं कहीं से तैयारी की थी और वो बहुत ही फाइनेंशियली पुअर थे और उन बच्चों ने, कईयों ने तो कोचिंग नहीं कर पाए क्योंकि उनको मटेरियल नहीं मिल पाया और इतनी फीस एफोर्ड नहीं कर सकते। तो गाइस प्लीज़, आपके शेयर करने से कम हर किसी शख्स तक कुछ ना कुछ जानकारी पहुँच सकती है। कल जो आने वाला पेपर उसके लिए अब जो 12 घंटे का टाइम बचा है, कम से कम उस 12 घंटों में कोई बच्चा 7 या 8 घंटे पढ़ सकता है। तो 7 या 8 घंटे की बात करें तो उसके अब 10 से 12 नंबर अपने इंक्रीज कर सकता है। हम ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है फटाफट से लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर पर चलते हैं। टारगेट 2018 गवर्नमेंट जॉब पीएसपीसीएल, चाहे पुड्डा रेलवे एग्जाम, चाहे केवीएस, चाहे एसबीआई क्लरिकल है, अब नौकरी आपकी दूर नहीं, ये श्योर है कि नौकरी आपको मिलेगी, क्योंकि 90,000 जो वैकेंसीज रेलवे में है इसके बाद में वो हैं, और प्लस आपको पता है कि 8.5-8.5 हज़ार वैकेंसीज एसबीआई क्लरिकल की हैं, फिर इसके बाद में इसके बीच में भी कुछ वैकेंसीज हैं केवीएस वगैरह की हैं। तो जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करके लग रहे हैं तो प्लीज़ कीप, अपना मोरालिटी डाउन मत करें। आप ये मत सोचो कि पेपर में बहुत टफ आया आप यहीं छोड़ रहे हो, नहीं यार, अब आप इसको पकड़ के रखो। अगर मान लो किसी 100 नंबर के पेपर में आप 50 कर सकते हैं, इसका मतलब आप 50% परफेक्ट हो। गवर्नमेंट जॉब आपसे 100% नहीं मांगती, गवर्नमेंट जॉब मांगती है आपसे अबव 70। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स, गवर्नमेंट जॉब मांगती है आपसे अबव 70। ओके, आई एम स्टिल वर्किंग इन एसएससी, यू नो कि अगर मैं सोचूं कि आज एवरीवन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड चूज करना पड़ता है। इसमें आपका स्टैंडर्ड नहीं है गाइस, कैसे नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट आईबीपीएस से आए, आईबीपीएस से टोटली आपको अनटच चीज़ मिली है। जितने लड़के या जितने लोग आप बीटेक के या मैं कह दूँ इवन की अदर कंपटीशन में, क्योंकि आपके किसी के एक्सपेक्ट नहीं था कि एकदम से बहुत जल्दी पेपर आ जाएगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही क्योंकि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया था। गाइस ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है बच्चों का सोल्यूशन जो एनालिसिस है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं था कि पंजाब गवर्नमेंट का एग्ज़ाम थोड़ा लंबा लंबा चला जाता है, 6-6 महीने साल साल भर तक, तो बहुत जल्दी प्रोसीजर हो गया इसलिए टफ लग रहा है। और पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि मॉडरेट है, ये आपके साथ मैं सहमत हूँ। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन पर। रीजनिंग सेक्शन वही सेक्शन हम बात कर रहे थे, अब की बार जो रीजनिंग में क्या आया है, आज के जो इवनिंग शिफ्ट के अंदर इंग्लिश मीनिंग डाल दिए। ये देखो कहाँ की रीजनिंग हुई है, ये रीजनिंग इसलिए बनती है कि आपके दिमाग की तर्क शक्ति को जांचना। इंग्लिश उन्होंने डाल रखा है मीनिंग पे, वो किससे जोड़ रखा है, कनेक्ट उन्होंने किससे कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया एनालॉजी से। गाइस समझिए आप, ठीक है, तो ये इंग्लिश वही प्रॉब्लम आ गई, जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो रीजनिंग कर पाया। तो इंग्लिश में ओवरऑल यानी रैंकिंग सीरीज अल्फाबेट डायरेक्शन वगैरह क्वेश्चन सारे थे, लेकिन ओवरऑल हम मान के चलते हैं कि जो बच्चा आज
22 करके आया रीजनिंग में, इट इज़ वेरी गुड नंबर सीरीज। तो रीजनिंग का तो आपको सेक्शन प्रॉपर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एवरेज सब बच्चे रीजनिंग कर रहे हैं। बात करते हैं मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में गाइज आज लगभग 3 क्वेश्चन HCF और LCM से थे। आपने सोचा नहीं था कि पिछले 2 एग्ज़ाम के अंदर HCF LCM हमने नहीं सुना था, अब की डाल दिया, और ऐसा HCF LCM डाला है कि आपको लग रहा है नेम इजी, लेकिन एक अच्छा SSC CGL प्री और मेंस क्रैक करने वाले बच्चे भी ये चीज़ बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं उन हमारे लिए चाहे इजी रहा लेकिन हमने बहुत मेहनत की, लेकिन आप एवरेज बच्चे के लिए थोड़ा सा टफ था। गाइज एवरेज क्वेश्चन इजी था, पार्टनरशिप इजी था, रेशियो इजी था, इज प्रॉब्लम जो क्वेश्चन उन्होंने परसेंटेज और ट्रेन एंड टाइम में इंक्लूड कर रखे थे, और इवन की मिक्सर में, और ये तीनों और ये चौथा एलजेब्रा, ये जो चार जो पीछे के 5 सेक्शन था यहाँ से आपका पेपर मॉडरेट था, क्योंकि ये हम कह सकते हैं इजी और ये मॉडरेट पार्ट था, तो इजी और मॉडरेट दोनों थे। तो कहने का मतलब कि आपको अभी भी जो बच्चे हैं, अभी आप मैं 8 घंटे के लिए आपको मैं ताबड़तोड़ कर दूं इस वीडियो के अंदर, आपको मैं भर दूं कि ये कर लो वो कर लो, गाइस मेरा एक ही चीज़ कहना है, कूल रहें, आप जो कर रहे हैं उसी को पकड़ लें, कम से कम वहाँ से कोई चीज़ ना निकले आपसे बाहर, प्लीज़, ठीक है। और अब बहुत बच्चे ऐसा भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार सिर्फ मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश पे फोकस कर लो, बाकी चीज़ें छोड़ दो, छोड़ना कुछ नहीं है, आप सरेंडर मत करो किसी सिस्टम के सामने, हो सकता है कल वाला पेपर ईजी। एक चीज़ बता दूँ आपको, आई डोंट थिंक मैंने कभी नोटिफिकेशन में पढ़ा नहीं इनके, लेकिन मेरा जो स्पेकुलेशन है SSC के अंदर, बैंकिंग के अंदर क्या होता है गाइज, जितनी भी शिफ्ट होती है, जैसे 7 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, सभी शिफ्ट में अगर मॉर्निंग में टफ है और इवनिंग में ईजी है, तो गाइज इन सभी पेपर्स को नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है, नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है। यानी सहने का मतलब कि अगर मॉर्निंग में 100 बच्चे बैठे हैं और सब बच्चे के एवरेज 70 मार्क्स आ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो, अगर पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में इजी है और सब बच्चों के एवरेज 70 मार्क्स आ रहे हैं, और इवनिंग शिफ्ट में पेपर टफ था और सब बच्चों के 50 आ रहे हैं, तो वो दोनों को मिक्सअप कर देंगे और जो 70 वालों के कम होंगे और 50 वालों के इंक्रीज होंगे, ये नॉर्मलाइजेशन होता है SSC और बैंकिंग में। लेकिन आई डोंट थिंक, मेरे को नहीं लगता यहाँ अगर होता है तो फिर ये इस प्रकार से चक्री घूमेगी, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। इसलिए आप ये मत सोचो कि भाई एक सेक्शन छोड़ दो, आप कोशिश करें आप बेहतर तरीके से कूल दिमाग से, यानी उसके हद तक पहुंचने की, उस क्वेश्चन के हद तक पहुंचिए। आप ये वाकई ये चीज़ स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है, बात मेरी समझें। चलिए मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द व्यूज ऑफ स्टूडेंट्स ये थे कि एलजेब्रा आपको आया था, एलजेब्रा ऐसा था कि एक इक्वेशन संबंधित एलजेब्रा था, आप इजी नहीं कर सकते, थोड़ा सा दिमाग से कर पाएंगे, एरियाज ठीक था, लेकिन कुछ एरियाज आपको वही बात है कि एरिया डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा कोई भी, जैसे आपको दे दिया कहने की इक्विलेटरल ट्रायंगल पे निकालना है, किसी ट्रायंगल पे निकालना है, ये स्केलन ट्रायंगल है, सो स्केल नहीं, गाइज इस तरह से नहीं था, आपको कन्फ्यूज करके देगा वो, या तो पहले किसी भी ट्रायंगल का वो पैरामीटर देगा, पैरामीटर देने के बाद में किसी न किसी एंगल से हाइट या वो जो पूछेगा आपसे, क्लियर। मिक्सर के क्वेश्चन थे, लेकिन ओवरऑल कहें कि मॉडरेट ईजी मॉडरेट मैथमेटिक्स गया है इवनिंग सेक्शन का। हम बात करते हैं GK की, गाइज GK था कि इसके अंदर स्टैटिक GK तो आपको पता ही है, पंजाब का कोई GK नहीं था, मुगल से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो वो पूछा गया था कि गजनवी मोहम्मद गजनवी ने कितने टाइम्स अटैक किया था इंडिया पे, तो 17 टाइम्स ही फेल और 18 टाइम्स में वो क्या था कि वो जीत गया था, तो गाइज ये ध्यान रखना है आपने। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अब इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है कि कल आपको अकबर के बारे में पूछ लें, हो सकता है कि हल्दी घाटी का कब बैटल हुआ था ये पूछ लें, ठीक है, हो सकता है आपको बक्सर का बैटल कब हुआ था, ठीक है, हो सकता है प्लासी का बैटल पूछ लें, तो कुछ भी पूछ सकता है यार, हम इसमें देखो आपको प्रिपेयर होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था, अब कुछ नहीं कर सकते आप। अब मैं आपको एंड के अंदर कुछ चीज़ें बताऊंगा क्या करना है। पॉल साइंस के आपको पूछा गया, पॉल साइंस से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, प्रेजिडेंट कि किस रूल के, यानी आर्टिकल का कौन सा रूल है कि जिसके मतलब कह सकते हैं कि उसके पास पावर होती है, जो शक्तियां होती हैं, इसी प्रकार वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के थे कि जैसे पूछा गया यूपी का फोक सॉन्ग कौन सा है, ठीक है, तो इसके बाद में जैसे कि WWF का पूछा गया था कि कहाँ है मतलब हेडक्वार्टर, उसके लोगो किसने उसके लोगों को इन्वेंट किया था, तो इस तरह के क्वेश्चंस थे। कहने का मतलब है कि मैं एक बताऊँ कि अगर एक अच्छा स्टूडेंट या आप जैसे कोई पेपर फेस करने जाते हैं, आपका एक मूड होता है, आप मूड में गए, आपको जाते ही इस प्रकार के 2-3 धाबड़ धाबड़ क्वेश्चन मिल गए, आप ब्लैंक हो जाते हो। गाइस ब्लैंक नहीं होना कोई ज़रूरी नहीं है, आपके लिए टफ नहीं है, वो सबके लिए टफ है, मैं क्लियर कर दूं, आपके लिए टफ नहीं है, पेपर सबके लिए टफ है, मेरिट हाई इसके अकॉर्डिंग नहीं जा सकती, लेकिन अभी आप बिल्कुल शांत होके
क्या करना है आपको अपने मटेरियल को, जो कल पेपर है, प्लीज़ गाइस रिपीट करें, बिल्कुल ठंडे दिमाग से रिपीट करें, हड़बड़ाहट में कोशिश मत करें। एक काम करिए, फटाफट से आप जो आपको टाइम मिलता है 2 घंटे के अंदर मुग़ल हिस्ट्री और इंडियन जो मॉडर्न हिस्ट्री है पढ़ लें इसको, ठीक है। इसके बाद में हम मान सकते हैं कि थर्ड जो चीज़ है पॉलिटिकल्स के हल्के फुल्के रूल्स पढ़ लो, प्रेजिडेंट पर पूछ ले, प्राइम मिनिस्टर का पढ़ लो, आर्टिकल्स कौन कौन से, ठीक है। इसके बाद में कुछ ये मेरे को लगता है कि मैं एक मान सकता हूँ कि कल हो सकता है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से या ब्रिटिश हिस्ट्री से पूछा जा सकता है क्वेश्चंस, ये डेफिनेटली हैं, क्योंकि पेपर घुमाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादातर 3 से 4 क्वेश्चन थे। अब वही बात आती है कि कॉमन क्वेश्चन हर जगह से थे, सब जगह से थे, इसमें इंक्लूडिंग ज्योग्राफी था, लेकिन वो क्वेश्चन थे गाइस कि जो क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि आपसे आपने सोचा नहीं था, एक्सेप्ट नहीं किया था कि हाँ यार यहाँ से आ सकते हैं, वो चीज़ें थी। तो गाइस बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल रिलैक्स रहें। इंग्लिश के अंदर बहुत ईजी सेक्शन मान रहे हैं बच्चे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स गाइस, जिसे 2A पूछा जा रहा है, 2A पूछा जा रहा है, एरर में 1 वर्ड के अंदर कुल मिलाकर एरर के 2 क्वेश्चन और 3 1 वर्ड यानी टोटल 5 सेक्शन ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पैसिव वॉइस गाइस 2 या 3 की क्वांटिटीज हर पेपर में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आप आइडिया लगा सकते हैं, कम से कम ये चीज़ मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से मार्क्स आप सर्टन है, क्योंकि ये चीज़ें वही आ रही हैं, जो चीज़ें हमें पहले दिन से दिखने को मिली वो चीज़ें आ रही हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है, वो तो आपको पता है कि चेंजेस होता रहता है। तो एंटोनिम्स इजी आ रहे हैं थोड़ा सा, प्लीज़ आप जो भी अगर 1 घंटा लगा के आप रीडिंग लगा सकते हैं टू गुड है, नहीं लगा सकते तो वेस्ट मत करें टाइम। एरर्स डिडक्शन पूछे जा रहे थे, फिलर्स जहाँ से पूछे जा रहे हैं आपको, प्रेपोजिशंस के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, यानी नॉर और नीदर से, और आपको एज या एज सो के कुछ रूल्स पूछे गए थे। ईडियम्स पूछे जा रही गाइज, ईडियम्स परमानेंटली 2 या 3 क्वेश्चन डाल रहे हैं, या तो किसी में 2 डाल रहे हैं, किसी में 3 डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें पैसिव और 1 वर्ड एरर्स, ये चीज़ें आपके कंपलसरी, मतलब सेम पैटर्न रहा है इंग्लिश का गाइज, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो इंग्लिश के 20 में से वी कैन, हम सोच सकते हैं कि आप 15 अच्छे से कर सकते हो, मोर देन 15 भी आ सकते हैं। कंप्यूटर की बात आती है, कंप्यूटर बच्चों का ये कहना है कि सर सरेंडर कर दो, यहाँ पर क्विट कर रहे हैं वो बच्चे, ठीक है। डिफ़िकल्ट पार्ट आ रहा है आउट ऑफ रेंज, मतलब जो किसी बच्चे ने किसी भी 2 बुक से, या मतलब अरियंथ क्या मानो या लूशंट की बुक्स पढ़ी है, तो उस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से करना है। हालांकि मैं मानता हूँ कि टफ LDC पेपर में इतना नहीं होना चाहिए था, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं पता किस तरह का पेपर फेस हो रहा है वहाँ पर बच्चों को, या बच्चे किस तरह से पढ़ के जा रहे हैं। आप गाइज प्लीज़ आप अपना मोरालिटी डाउन मत करें, और कल जो पेपर होगा बहुत भी हो बहुत अच्छा होगा, खुश रहें, अच्छे से जाके करें, बिल्कुल डरे नहीं। और इंग्लिश सेक्शन के अंदर जिस बच्चे ने 15 किए हैं, मैथमेटिक्स में 20 किए, और इंग्लिश में जिस ने 23 किए हैं, GK जो बच्चा 15 करके जा रहा है, या कंप्यूटर जो बच्चा 5 करके जा रहा है, 78 जो अटेम्प्टेशन हो रही है, गाइस आप मान के चलें कि वो बच्चा डेफिनेटली उस काउंसलिंग में बैठने वाला है, जो फाइनली इनकी काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग में बैठने वाला है वो बच्चा, ठीक है, ये चीज़ आप मान के चलिए। अगर गाइस यहाँ पर मैं मानता हूँ कि टाइपिंग भी होती तो ये इतना पेपर टफ नहीं होता, क्योंकि फिर उन्होंने टाइपिंग के अंदर निकालना था सबको, ठीक है। तो गाइज ये आपका पेपर की कंडीशन थी आज की, तो बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ पढ़ते रहिए, हिम्मत रखिए, थोड़ा सा काम करो, एकदम रिलैक्स माइंड से होकर जितना भी पढ़ा उस पर रिवाइज कर लो, और एक्स्ट्रा मत कुछ करो, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट विशेस है कल के एग्ज़ाम के लिए, मिलते हैं कल आपको एनालिसिस के साथ, और गुड लक गाइज़।